हेलो एंड वेलकम दोस्त टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्त, क्योंकि आज इस वीडियो में भैया फिर से कुछ इमेजेस के साथ हम मस्ती करने वाले हैं और कलर्स आरजीबी वाले फंडे को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो यानी कि भैया कुछ अलग रेसिपी अपन बनाने की आज कोशिश करने वाले हैं, लेकिन इंग्रीडियंट सेम है भैया, सामग्री सेम है। देख लीजिए, वही PIL यानी कि पाइथन इमेजिंग लाइब्रेरी, वही मैटप्लॉटलिब, वही नंपाई, ये लाइब्रेरीज जो हमने यहाँ पे लिए वो पिछले वीडियोज में भी कंसिडर की थी, बराबर है। और देखा जाए तो इमेज भी सेम थी, यही वो हंसता हुआ चेहरा था, लोकेशन भी यही थी, नाम भी यही था 123.jpg फाइल जो हमने इस्तेमाल की है। और जैसे मैं इमेज का दिखाता हूं, हंसता हुआ चेहरा हमें यहां पे दिख रहा है, इसी हंसते हुए चेहरे के साथ थोड़ी बहुत मस्ती जो है अभी आज हम लोग यहां पे करने वाले हैं। तो भैया सबसे पहली बात तो जैसे यार देखो, अपने को पहले मोड जानना जरूरी है कि इसमें जो चैनल्स है जैसे कि RGB वो अपने को स्पष्ट रूप से यहां पे पता होना जरूरी है, वो आप मोड के जरिए पता कर सकते हो। अब अगर देखा जाए तो भैया ये जो टाइप है इसका टाइप क्या है, इट इज अ JPG इमेज, लेकिन अपने को दोस्तों यहां पे जरूरत पड़ने वाली भैया एरे नंपाई एरे, और वो अपने को चाहिए। तो चाहिए तो भैया कुछ करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, np.array ये लगा दिया और इसमें पैरामीटर दे दिया इमेज, अपना ये वाला जो इमेज है वो दे दिया, जिसका जो फॉर्मेट है एक तरीके से वो JPG फॉर्मेट है। अब मुझे भैया क्या मिल जाएगा, इन रिटर्न मिल जाएगा एक इमेज एरे, और उसी के हिसाब से उसका नामकरण भी किया गया img_array। अगर आप इसका शेप देखोगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। देख लीजिए, आपके प्राइमरी दो डायमेंशन है और यहां पर मेरा जो तीसरा डायमेंशन है उसमें जो है मोड में जितने मेरे RGB 3 है, तो भैया यहां पर भी 3 वैल्यू 3 चैनल मुझे यहां पर देखने को शेप में देखने को मिल जाएंगे। अब जब मैं इसका टाइप चेक करता हूं तो भैया पहले वाले का क्या था, जो अपनी इमेज थी उसका JPG, और यहां पर जो है भैया वो क्या है, वो एक नंपाई एरे जो है अपना बन चुका है। अब इसी का आगे अपन जो है इस्तेमाल करने वाले। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं भैया, ये जो अपना इमेज एरे है ना, इसको कॉपी कर लेता हूं, मतलब इसी सिंपली एरे को मैं कॉपी कर लेता हूं एज img1, और भैया अब इसमें जो विविध प्रकार की चीजें हैं वो मैं करने वाला हूं। यानी कि ऐसा अगर हम लोग करें एक ही इमेज में, हमने पिछले वाले में क्या किया था कि भैया हमने 3 कॉपी बना ली थी, एक एक इमेज में हमने क्या किया था, हर एक चैनल को 0 किया था और फिर देखा था इफेक्ट कैसे पड़ता है। अगर मैं सबको 0 कर दूं तो, अगर मैं सबको 0 कर दूं तो मुझे क्या रिजल्टेंट मिलेगा, क्या कलर मिलेगा, इसी को हम लोग कहते हैं भैया कलर कोड कॉम्बिनेशन। मतलब R का अगर ये वैल्यू रखी, G की अगर ये वैल्यू रखी, B की अगर ये वैल्यू रखी, तो क्या कलर मिलता है, यही खेल आज हम यहाँ पे खेलने वाले हैं। देखते हैं भैया, देखो मैंने सबसे पहले क्या किया, 0 मतलब R चैनल, तो मैंने क्या किया कि भैया मेरा जो R चैनल है उसमें जितनी भी वैल्यूज हैं जो कि ऑब्वियसली 0 से 255 के बीच में रेंज होंगी, उन सबको 0 कर दो। अब जैसे मैंने उन सबको 0 कर दिया, किसमें, img1 एरे में, जैसे मैंने उन सबको 0 कर दिया और जैसे मैंने img show कर दिया और उसमें मैंने img1 पास कर दिया, तो आप देख सकते हो भैया सामने मेरे क्या आ गया, देखो ऑब्वियस ही बात है रेड चला गया, बराबर है। तो यहां पे रेड गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा और क्या करता हूं, इसी सेम के अंदर मैंने इसकी दूसरी कॉपी में चेंज नहीं करना, मैंने इसी कॉपी में जो है उसका जो ये 1 वाला मामला है उसमें भी 0 डाल देने, मतलब पहले 0 यानी कि अपना जो R चैनल है उसमें 0 डाल दिया, फिर 1 यानी कि जो ग्रीन वाला मामला है चैनल है उसमें भी 0 डाल दिया, और जब मैंने सेम इमेज को देखा तो भाई साहब ये क्या हो गया, यहां पे सिर्फ मुझे ब्लू ही ब्लू दिखाई दे रहा है, ग्रीन भी नहीं है। ओके, पहले तो भी थोड़ा ग्रीन दिखाई दे रहा था, रेड नहीं था, ब्लू भी दिखाई दे रहा था, यहां पे सिर्फ ब्लू दिखाई दे रहा है क्योंकि आप सिर्फ ब्लू ही बचा है, और जो ब्लू बचा कुचा है उसको भी देख लीजिए, आपके सामने यहां पे 2 है, दैट इज मैं अभी भैया ब्लू चैनल के साथ डील कर रहा हूं, और भैया यहां पे उसको 0 कर दिया, और जैसे ही मैंने 0 कर दिया और फिर जैसे ही मैं आई एम शो, मतलब अभी आपको मैं शो दिखाने वाला हूं, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि R0 है, ओके, G0 है और अपना ब्लू 0 है, B0 है, इसका जो कलर बनता है इन तीनों के कॉम्बिनेशन से वो कुछ इस तरीके से दिखता है, यानी कि काला कलर दिखता है या ब्लैक इमेज, ब्लैक कलर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी व्हेन ऑल ऑफ देम आर 0। चलो थोड़ा बहुत और खेलते हैं, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैं एक और कॉपी बना लेता हूं, अलग से एक कॉपी बना लेता हूं। अब मैं वैल्यूज जो है वो 255 असाइन करूंगा, ओके, क्योंकि एक एक्सट्रीम तो केस अपन ने देख ली 0 0 0 असाइन कर दिए तीनों को। अब मैं एक ही इमेज में तीनों को जो है 255 255 255 असाइन करता हूं, आप देखते हैं कि इस कॉम्बिनेशन से हमें कौन सा कलर मिलता है। वैसे कि हालांकि आप इंटरनेट पे चेक करोगे तो आपको पहले ही उत्तर मिल चुका होगा, बट फिर भी चलो यहां पे एक्सपेरिमेंटली चीजें करके देखते हैं, फिर तो समझ में आएगा। तो मैंने सिंपली वो जो अपना ओरिजिनल इमेज आ रहा था उसी का कॉपी बनाया, img2 में दे दिया, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये कर दिया कार्यक्रम और 255 मैंने असाइन करना शुरू कर दिया हर एक चैनल को, सबसे पहले भैया आप रेड देख सकते हो, तो रेड को किया तो img2 दिखाया, तो भैया ये पहले डार्क हो रहा था अब लाइट हो रहा है कि नहीं, पहले डार्क हो रहा था, आप बात समझ पा रहे हो, पहले डार्क हो रहा था अभी लाइट हो रहा है, 255 दे दिया। अब मैं क्या करता हूं, आगे जाता हूं और मैं यहां पे 1 को भी दे देता हूं, 1 को 255 यानी कि जो अपना सेकंड चैनल ग्रीन चैनल है उसको भी 255 दे देता हूं, तो इसका जो कॉम्बिनेशन बनकर आता है वो आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, बराबर है। अब मैं क्या करता हूं भैया, img2 में ये जो लास्ट वाला ब्लू है वो भी 255 कर देता हूं, तो फाइनली आपके सामने कुछ इस तरीके से व्हाइट आ जाएगा। तो यानी कि आपको ये फंडा समझ में आ गया कि तीनों 0 रहे तो ब्लैक दिखता है, तीनों आपके 255 रहे तो आपको
व्हाइट दिखता है। तो ये जो वेरिएशन है इसके बीच में जो सारे कलर्स का रेंज है वो खेला जाता है। तो इसमें कई बार होगा आर ज्यादा होगा, ब्लू ग्रीन कम होगा, ब्लू ज्यादा होगा। तो ये जो वैल्यूज हैं जैसे जैसे ये आंकड़े बदलते हैं, इनका कॉम्बिनेशन बदलता है, वैसे वैसे अलग अलग रंग जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, अब जैसे मैंने अभी तक सेम ले रहा था 0 0 0 255 255 255, अब मैं थोड़ा अगर अलग लूँ तो जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने एक और कॉपी बना ली, IMG3 कर दिया मैंने। सबसे पहले तो भैया रेड वाले को 50 सब कर दिए, फिर वन वाले को 150 कर दिए, और जो टू वाला यानी कि जो ब्लू वाला है उसको 200 कर दिया। और जब मैंने देखा तो मुझे ये कलर प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके से भैया आप अपने घर बैठे जो है, अगर इंटरनेट पे आपको सर्च नहीं करना, कलर कोड के बारे में नहीं जानना, अगर आपको कलर यहीं पे एक्सपेरिमेंट करना है, उसको देखना है, तो भैया सिंपली इसी तरीके से आप जो आंकड़े हैं वो यहां पे पुट इन कर सकते हैं और फाइनली दे सकते हैं कि भैया जो मेरा ये इमेज था अब ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। सो इस तरीके से भैया अपन जो अपने इमेजेस के साथ खेल सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, समझ सकते हैं चीजों को। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एवरी टाइम आई एम ट्राइंग टू मेक सम चेंजेस विद द वैल्यूज, मैं हर बार क्या कर रहा हूं, यहां पे कॉपी बना रहा हूं। देख जैसे कि IMG3 की ये कॉपी थी, बराबर है। यहां पे आप 2 में भी देख सकते हो कि भैया बिफोर मेकिंग सम चेंजेस मैंने 2 में भी एक कॉपी बनाया था ओरिजिनल वाले का, बराबर है। उसके बाद यहां पे आप देख सकते हो 1 के लिए भी मैंने कॉपी बनाया था। तो भैया ये कॉपी काहे में बना रहा हूं? तो दोस्तों कॉपियों के साथ तो भैया बहुत ज्यादा डील अपन ने कर लिया। अब जो ओरिजिनल अपनी IMG एरे हमें प्राप्त हुआ था इस स्टेप पे इनिशियली, अब जरा देखते हैं उसी के साथ थोड़ा छेड़खानी, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके देखते हैं, लेट्स सी व्हाट द रिजल्ट्स दैट वी आर गेटिंग। तो यहां से सिंपली भैया मैं इसको कॉपी कर लेता हूं इसके नाम को, क्योंकि इसका नाम बहुत काम वाला है भैया, इसको मैंने यहां पे कॉपी कर लिया। अब यहां सिंपली मैं क्या करता हूं, ये वाला जो पोर्शन है ये यहां से उठा लेता हूं और यहां पे पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। तो इसका सिंपल मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरा ओरिजिनल एरे है इसके अंदर की जो भैया रेड चैनल उसकी सारी वैल्यूज 50 कर दी। उसके बाद क्या करता हूं मैं यहां पे सिंपली यही जो चीज है ये कॉपी करता हूं, ओके, और नीचे पेस्ट करता हूं। तो भैया देखो कॉपी पेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट कला है जी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पे देखिए आपका समय बच रहा है और उस बचे हुए समय में अपन जो है बहुत सारी चीजें यहां पे सीख भी रहे हैं। तो यहां पे मैंने क्या कर दिया 150 कर दिया और यहां पे जो है भैया 200 कर दिया, मतलब वही सेम 2000 हो गया। तो यहीं पे जो है सेम वैल्यू जैसे 50 150 200 था, सेम यहां पे भी वही चीज आपको देखने को मिल जाएंगी। और प्लस मैं ये जो चीज है कॉपी करता हूं और इसको यहां पे भैया नीचे जो है पेस्ट कर देता हूं, ये वाला जो नाम है वो बदल देता हूं, यहां पे अपना एरे नाम है ये आप देख सकते हो। और जैसे मैं इसको भैया मारता हूं भैया शिफ्ट एंटर, तो आपके सामने देखिए रिजल्ट सेम है। तो रिजल्ट सेम है, कलर सेम है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहां पे एक चीज अपने को ये समझनी है कि जो मेरे ये ओरिजिनल IMG एरे था जो कि मुझे यहां पे आप देख सकते हो कि इनिशियल स्टेज पे प्राप्त हुआ था, तो वो एक्चुअल में क्या कैरी कर रहा था, वो आपके ओरिजिनल इमेज की जो पिक्सल वैल्यूज हैं वो कैरी कर रहा था, ओरिजिनल वाली कैरी कर रहा था वो वैल्यूज। बट अब आपने क्या किया, अब आपने डायरेक्टली उसके साथ डील करके उसकी वैल्यूज को मैनिपुलेट कर दिया। तो अब इसको फर्दर आप आगे यूज नहीं कर सकते, इफ यू हैव टू मेक चेंजेस इन दैट रिस्पेक्टिव इमेज, तो अभी इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसीलिए ज्यादातर तौर पे अपन क्या करते हैं कि ओरिजिनल को सेपरेट रखते हैं। हाँ, उसकी कॉपीज अगर हम बना सकते हैं, जो कि अगर फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दी गई तो अगर वो फीचर है तो उसका इस्तेमाल करते हुए कॉपीज बना के कॉपीज के साथ ही अपन डील करते हैं। बट इन अ वे मैं डायरेक्टली भी डील कर सकता हूं, ये चीज आपको बताना चाहता था। बट वी हैव लॉस्ट द वैल्यूज जो कि अपनी इमेज की वैल्यूज थी विथ रिस्पेक्ट टू दिस ओनली इमेज एरिया। हम लोग एक और भैया इसी तरीके का एरे बना सकते हैं फ्रॉम दैट इमेज, ऐसी वाली बात नहीं कि अभी हम लोग एरे नहीं बना पाएंगे, बिल्कुल बना सकते, क्यों नहीं बना सकते भैया, अपना पूरा हक बनता है। यानी कि ये वाली जो स्टेप है इसको मैं वापस से भैया जो है दोहरा सकता हूं और एक नया जो एरे है वो यहां पे तैयार कर सकता हूं। जैसे IMG एरे था तो मैंने यहां पे IMGG एरे कर दिया, कुछ अलग नाम रख दिया, बराबर है। इस तरीके से भैया मैंने कार्यक्रम कर दिया, यहां पे पैरामीटर भी मैंने IMG जो अपना ओरिजिनल इमेज है वो दे दिया। अब जैसे आप देखोगे शिफ्ट एंटर करता हूं तो एक शेप आपको देखने को मिल जाएगा, बराबर है। अब अगर आपको इसको भैया एक तरीके से मुझे अगर ऐसा जो है दिखाना है उसे, तो मैं ये पेस्ट कर देता हूं और शो करना इमेज को, तो IMGG है ना वो, हाँ। और इस तरीके से एरे आ गया भैया, अपना मामला खत्म, और ये देख सकते हो आपकी इमेज आपके सामने है। तो ये स्टेप आपको भैया बार बार ना करना पड़े, बार बार भैया एक नया नया एरे ना लेना पड़े, इट्स बेटर कि आप एक कॉपी बनाओ उसके साथ डील करो और ओरिजिनल को भैया ओरिजिनल ही रहने दो। वैसे अगर देखा जाए तो ये भी एक ऑप्शन है, आप कर सकते हो। अगर ओरिजिनल को भी डिस्टॉर्ट करना है तो वापस से एक और चीज बना सकते हो। तो मतलब भैया करना तो है, काम तो करना है, परिश्रम तो है, तो चाहे आप परिश्रम इस तरीके से करो बार बार एरे उस इमेज का जनरेट करके, या फिर आप परिश्रम इस तरीके से करो उसका ओरिजिनल का कॉपी बना के। सो इन एनी वे आपको परिश्रम तो करना है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो के जरिए भैया आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है रिलेटेड टू दीज इमेजेस एंड लाइव लाइब्रेरीज एंड दीज कलर चैनल्स और भी बढ़ गई होंगी, और भी बहुत सारी केसेस आपके दिमाग में रजिस्टर हो गई होंगी। अगर हो गई होंगी आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए। और भैया
इस चैनल को भी यार, अपने चैनल 5 मिनट्स इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब भी कर दीजिए यार, फ्री है। थैंक्स अलॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।